हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्यूटीफुल से लकरा रफल साड़ी, इसे बनाना कैसे है इसी का ट्यूटोरियल आज हम देंगे आपको। तो देखिए, इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आएगा। ये बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल साड़ी है, ये देखिए। और इसमें जो फ्रिल्स हमने ऐड की है वो 3 मीटर्स में ही ऐड की है। बाकी 2.5 जो पल्लू है उसमें हमने रफल्स नहीं लगाई है, बाकी पल्लू के कॉर्नर में लगाई हुई है। इसका फैब्रिक जो होता है लैकरा का बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही सॉफ्ट टच देता है हमें, बिल्कुल बॉडी पे अच्छे से फिट हो जाता है। तो चलिए, इससे डिज़ाइन कैसे करना है ये हम देखते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैंने फैब्रिक्स लिए हुए हैं 5.5 जो हम नॉर्मली लेते हैं साड़ी के लिए, वही फैब्रिक है। बाकी एक्स्ट्रा जो मैंने लिया हुआ है वो है 2 मीटर फैब्रिक, जिससे मैं फ्रिल्स बनाऊँगी। ओके, तो 5.5 एंड हमें 2.5 मीटर या 2 मीटर, वैसे 2 मीटर सफिशिएंट होगा। मैंने 2 मीटर्स में ही साड़ी को बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप पल्लू में भी ऐड करना चाहते हैं तो आप 2.5 मीटर लैकरा का फैब्रिक ले लें। ये देखिए, इसमें ग्लिटर और शाइनिंग भी है, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है और लाइट वेट भी है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फैब्रिक। तो चलिए, इसे डिज़ाइन कैसे करना है। सबसे पहले हमारी ये साड़ी है, हमें इसमें से 3 मीटर में क्या करना है कि 4.5 इंच का एक लेयर कपड़ा निकाल देना है, क्योंकि हम इस एरिए में फ्रिल ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया कि हम फ्रिल सिर्फ 3 मीटर में ऐड करेंगे, तो इसीलिए हम ये फैब्रिक निकाल देंगे 3 मीटर तक। बाकी 2.5 हम एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें से हम कोई कपड़ा नहीं निकालेंगे और ना ही हम उसमें फ्रिल ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके ऐसी प्रोसेस हम साड़ी के कपड़े में करेंगे। और जो हम फैब्रिक पे निशान लगाएंगे वो है 4.5 इंच, 4.5 इंच की लेंथ रहेगी और 3 मीटर की उसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले इस फैब्रिक्स को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हम जो फ्रिल्स निकालेंगे वो इस 2 मीटर में से निकालेंगे, ठीक है गाइस। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, और इसमें से सबसे पहले हम लेयर निकाल लेंगे 3 मीटर की एक। ओके, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो देखिए, मैंने ओपन कर लिया है, ये मेरी साड़ी वाला कपड़ा है। इसमें से सबसे पहले मैं 3 मीटर में से 4.5 इंच की पट्टी निकाल लूँगी। ध्यान रहे गाइस, हमें 3 मीटर तक ही निकालना है 4.5 इंच की पट्टी, जिधर हम फ्रिल ऐड करेंगे। ओके, तो मैं मार्किंग कर लूँगी पूरे 3 मीटर के एरिया में, और पूरे 3 मीटर में से एक ये लेयर निकाल दूँगी और उधर हम फ्रिल ऐड करेंगे। तो चलिए, मैं इसे सीजर की हेल्प से कट कर दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो हमें पट्टी निकाल लेंगे। सो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पट्टी निकाल दी है। अब मैंने ये 2 मीटर फ्रिल वाला कपड़ा लिया हुआ है, इस फ्रिल वाले कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये हमारा 2 मीटर है, ध्यान रहे मैंने इसे 4 फोल्ड किया है। हमारी फ्रिल्स की जो लंबाई रहेगी वो काफ़ी अच्छी निकलेगी। आप ध्यान रहे इसी तरीके से फोल्ड करें, ताकि फ्रिल 2-2 मीटर की रेडी निकले, तो वो रेडी होकर हमारी 1 मीटर की रह जाएगी, 1 मीटर से थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। तो अब इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं, 4.5 इंच की हम एक फ्रिल की पट्टी निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो सारे फ्रिल्स की एक साथ मार्किंग कर लीजिए और निकाल लीजिए। मैं भी इसी तरीके से एक एक लेयर्स के लिए अलग अलग मार्किंग कर दूंगी, और इसी फैब्रिक में से हमारी 2-2 मीटर की एक एक लेयर्स निकल जाएगी, जो प्लट्स देने के बाद 1 मीटर से थोड़ी कम हो जाएगी रेडी होने के बाद। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। इसमें चौक नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, सो मैं सीजर की हेल्प से कट कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं इस पूरे कपड़े में फ्रिल्स के लिए मार्किंग कर लूँगी और सारे कपड़े की ऐसी ही लेयर्स कट कर दूँगी पूरे 2 मीटर फैब्रिक की। तो ये देखिए, मैंने सारे फैब्रिक में से लेयर कट कर लिए 2 मीटर में से, हमारी 5 लेयर निकल कर आई है। देखिए, मेरी 4 लेयर से निकली है, वो जो 5 वाली लेयर से वो हमारी एक्स्ट्रा है, जो कि हमने जो 3 मीटर निकाला उसमें से निकली हुई है। ओके, तो ये 4 पट्टियाँ निकली है, जो कि काफ़ी होगी। 2 मीटर में से हमारा 1 मीटर बन जाएगा, तो हमें 3 मीटर चाहिए, और 1 मीटर हमारे पल्लू के लिए जो हम लास्ट कॉर्नर में लगाएंगे उसके लिए। ये फैब्रिक ध्यान रहे स्ट्रेचेबल फैब्रिक के, अगर आपकी नीडल इसमें वर्क नहीं कर रही है तो आप 11 नंबर की नीडल यूज़ करें। देखिए, इस तरीके से हम प्लट्स लगाएंगे इसमें। मैं थोड़ी बॉक्स प्लट टाइप लगा रही हूँ, थोड़ी सी चौड़ी ले रही हूँ। आप चाहे तो पतले पतले सी भी प्लट्स ले सकती है। कि देखिए, इस तरीके से एक एक प्लट हम पकड़ कर लेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग दिखेगी। और अगर आपकी सुई बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है तो मैंने आपको बताया 11 नंबर की सुई आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कर रही हूँ गाइस, वो नॉर्मल नीडल से ही कर रही हूँ, मैंने नीडल चेंज नहीं किए।
वैसे लेकरा का फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, इसमें हमारी नीडल इजीली वर्क कर रही है। तो देखिए इस तरीके से, लेकिन अगर आपकी मशीन की सुई काम नहीं कर रही है तो आप एक बार नीडल ज़रूर चेंज कर ले। वैसे इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है और थोड़ा सा इसमें कॉटन टाइप भी आता है, तो इसलिए नीडल अच्छे से वर्क करती है। ये देखिए इसमें, ये देखिए इसमें हमारी प्लट्स आ गई है गाइस। इसमें जो प्लट्स है वो काफ़ी फिनिशिंग से आई है। अब मैंने ये जो फैब्रिक लिया हुआ है गाइस, हमारा जहाँ पर 3 मीटर एंड हो गया है वहीं से मैंने ले लिया है और फ्रिल रख दी है, ठीक है। बाकी 2.5 में हम फ्रिल ऐड नहीं कर रहे हैं, ओके। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम मशीन लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मशीन लगाएंगे और फिर इसे, तो देखिए मैंने मशीन लगा दी है, मशीन लगा दी है, अब मैं इसे टर्न कर दूंगी। अब आपको ऊपर फिनिशिंग की मशीन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है एक मशीन के बाद ही, इसलिए आप फिनिशिंग की मशीन इस पर ना लगाएं। ये देखिए, और इसमें नीचे आपको टर्न या फोल्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी गाइस, क्योंकि इसके रेशे बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, काफ़ी समय की बचत भी हो जाएगी। और इसमें वैसे टर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरी साड़ी में लगा कर दिखाती हूँ, और पल्लू के कोने में भी लास्ट में हमें लगाना है, जो हमने 4 पट्टी कट की है वो इसी तरीके से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 मीटर और पल्लू के लास्ट कोने में आपको ऐड कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए पल्लू, सो इस तरीके से देखिए गाइस मेरी साड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है। रही इसकी कॉस्ट की बात, तो ये मुझे पड़ी है अंडर 500 में। इसका जो फैब्रिक है गाइस 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पर मीटर मिलता है। 50 रुपीज़ में मुझे फैब्रिक अवेलेबल हो रहा था, लेकिन उसका फैब्रिक काफ़ी पतला था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने 70 रुपीज़ पर मीटर वाला लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर सकते हैं कि कितने में मुझे ये साड़ी पड़ी है। सो गाइस इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आ रहा है। कैसी लगी आपको ये साड़ी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप भी आपकी साड़ी इस तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकें या कुछ डिज़ाइन कर सकें। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।